फ्रेंड्स कैसे हैं सब, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पालक और मसूर की दाल की रेसिपी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं पालक काट रही हूँ। पालक मैंने ले लिया है और कंटिन्यू कर रही थी मैं। तो फ्रेंड्स मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरा चैनल न्यू है और आप लोगों के प्यार मोहब्बत और खुलूस से और मेरी मेहनत से ही मैं आगे जाऊँगी। और मेरा चैनल न्यू है तो मेरे चैनल को जो वीडियो देखे तो वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे ये बताइएगा कि कोई मेरी जो है अगर गलती है या मेरे जो है अप्रिशिएट कीजिएगा मुझे, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने पतीली ले ली है और पतीली में मैं डालूँगी मसूर की दाल। और मसूर की दाल की रेसिपी पालक के साथ जो है ना वो मैं अपने तरीके से शेयर करूँगी। वैसे तो चैनल पे और बहुत सारे इतने सारे जो है ना कुकिंग के चैनल्स हैं जो सिखाते हैं, लेकिन जो है ना यहाँ पर मैं बता रही हूँ इस तरीके से जिस तरीके से मेरे घर पर फॉलो की जाती है। तो यहाँ मैं मसूर की दाल ले लूँगी और ये बिल्कुल फ्रेश है और अकॉर्डिंग माई फैमिली यहाँ पर मैंने मसूर की दाल ले ली है और इस शॉपर से मैं इसलिए भी। तो यहाँ पर जो है मैं चेक करने आई थी गाजर का हलवा, तो मैं बना रही थी गाजर का हलवा तो व्लॉग में शामिल था, ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे हस्बैंड की मेरे बच्चों की जो है ना बहुत फेवरेट है। यहाँ पर जो है ना मैं दाल को वॉश करती हूँ और पालक तो मैंने जो है वो बास्केट में काटा है तो इस वजह से उसको इतना टाइम नहीं लगेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है देखिए मैं वॉश कर रही हूँ पालक और इसको इसी छन्नी में जो है ना वॉश करना चाहिए, ताकि जो है ना इसका इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी इतनी होती है। अब बस मैंने दाल को धोकर स्टफ पे रख दिया। तो यहाँ पर जो है ना मैं इतना ही सिर्फ एक मुट्ठी मैंने लिया है पालक, एक मुट्ठी ली थी। और जो है अब मैं यहाँ पर जो इन्ग्रीडियंट्स डालूँगी तो फिर मैं वो आपके साथ एक प्लेट में बनाती हूँ, ताकि आपको समझने में और देखने में आसानी हो जाए। यहाँ पर जो है मैंने पालक और मसूर की दाल वॉश करके इसको रख दी थी स्टफ़ पर। अब मैं यहाँ पर जो है ना स्पाइस डाल रही हूँ सारे। ये मैंने लिए दो टमाटर है, हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर है, अदरक को मैंने जो है वो चॉप कर लिया था और यहाँ पर नमक है। यहाँ पर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए जो दिखाए थे आपको। अब मैं आपके साथ जब मिलूँगी जब मैं इसको तड़का लगाऊँगी यानी इसे भगाड़ दूँगी। यहाँ पर मैं डाल दूँगी ज़ीरा और ज़ीरा थोड़ी देर में डालेंगे क्योंकि जो है स्टफ मैंने कर दिया है बंद, ज़ीरा जल जाता है इस वजह से। और अब यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए कितनी मज़ेदार सी यमी सी दाल हमारी रेडी है। और आज का ब्लॉग प्लस रेसिपी मेरी यहीं तक की थी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। मिलेंगे नई न्यू रेसिपी या ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।